अच्छा दोस्तों, कि आप लोगों को भी आपके फ्रेंड नूब बोलते हैं, लेकिन आप एक प्रो प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको नूब क्यों समझते हैं? इसका सॉल्यूशन मैं आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। आप लोग कुछ ऐसी मिस्टेक या फिर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से लोग आप लोगों को नूब समझते हैं, भले ही आप कितने भी बड़े प्रो, कितने भी अच्छे वन टैप लगाते हो। वो गलतियां कौन सी हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं, लूटिंग और बेटिंग। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, मैंने इस एनिमी को मारा और उसके बाद मैं तुरंत ही लूटिंग करने के लिए यहाँ पर बैठ गया हूँ। मैंने आसपास में एनिमी को नहीं देखा और एनिमी इसी का फायदा उठाता है और आसानी के साथ मुझे मार सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को तुरंत ही लूटिंग नहीं करनी है, आप लोगों को पहले एनिमी को देखना है। अगर आप लोगों को लूटिंग करनी है तो उसके लिए अगर आपने क्रोनो की एबिलिटी का यूज किया है तो आप लोग क्रोनो की शील्ड का यूज करके लूट करें या फिर ग्लू बॉल का यूज करके लूट करें। ये वाली गलती आप लोगों को नहीं करनी है। और आप लोगों को कभी भी लेट लूट नहीं करनी है। जब भी आप लूट करें तो उसके लिए उठक बैठक, यानी कि बार बार उठें फिर बैठें, फिर उठें फिर बैठें, जॉयस्टिक का यूज करें लूट करते समय पर। तो ये कुछ गलतियां होती हैं जो आप लोगों को नूब बनाती हैं। इस तरह की कुछ और गलतियां हैं, तो इस वीडियो को अभी स्किप मत करना। दूसरी गलती आप लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोग फुल मैप खेलते हैं तो उस टाइम पर आप लोग जल्दी से जल्दी नीचे नहीं उतर पाते हैं। अगर आप लोग अपने अपोनेंट से पहले जमीन पर आना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को फैल्को पैट की एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। अब फैल्को पैट किस तरह से मदद करेगा आप लोगों की, तो देखिए, जब भी आप लोग हवाई जहाज से नीचे ड्रॉप होते हैं उसके लिए आप लोगों को कुछ टाइम लगता है जमीन पर आने के लिए, लेकिन अगर आप लोग फैल्को पैट का यूज करते हैं तो आप लोग अपोनेंट से पहले जमीन पर आ जाएंगे और आसानी के साथ वेपन लूट करके एनिमी को हवा में ही मार सकते हैं, जिस तरह से आप लोग बैकग्राउंड के गेम प्ले में भी देख पा रहे होंगे। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को जमीन पर आने के लिए फैल्को पैट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग तीसरी गलती क्या करते हैं, जब भी एनिमी किसी घर में जाता है तो उसके पीछे पीछे आप लोग भी उसी घर में चले जाते हैं और एनिमी आप लोगों को मार देता है। अब एनिमी आप लोगों को क्यों मार देता है, देखिए, जब भी आप एक ही घर में दो लोग लूट करने के लिए जाएंगे तो या पर तो आपको वेपन मिलेगा या फिर आपकी एनिमी को वेपन मिलेगा, लेकिन अगर आपके एनिमी को वेपन मिल भी जाता है तो वो आपका वहीं पर ही खोपड़ा खोल देगा। तो ये कुछ गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। कभी भी एक घर में दो लोगों को नहीं जाना है। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ में हैं, फिर भी आप लोगों को एक घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक घर में एक बंदे के लिए अच्छी लूट मिल जाती है। अगर आप दो लोग जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर अच्छी लूट नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग चौथी गलती क्या करते हैं, जब भी आप लोग फुल मैप में रैंक पुश करने के लिए जाते हैं, गेम प्ले करने के लिए जाते हैं, जो कि आप लोगों को नूब बनाता है, जैसे ही सामने वाले अपोनेंट्स की फाइट चल रही है आप लोग तुरंत ही उनके बीच में रश कर देते हैं, एनिमी आप लोगों को मार देता है। आप लोगों को पता है कि आप लोग दो लोगों से रस नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों को पहले उनकी फाइट का वेट करना है, एक बंदे या फिर कम बंदे बचे उसके बाद आप लोगों को रस करना है। तो ये वाली गलती आप लोगों को नहीं करनी है। कभी भी आप लोग दो एनिमी, तीन एनिमी या फिर चार एनिमी के बीच में फाइट में बिल्कुल भी न जाएं। पहले आप लोगों को वेट करना है कि सभी के सभी एनिमी फिनिश हो जाएं, उसके बाद ही आप लोगों को रस करना है। अब आप लोग पांचवी गलती क्या करते हैं, देखिए, लेट ग्लू वॉल या फिर कवर। जब भी आप अपने एनिमी के सामने जाते हैं, आप लोग एनिमी के ऊपर फायर करते ही रहते हैं, लगातार फायर करते रहते हैं जब तक आपका एनिमी मर नहीं जाता है। और आपका एनिमी तो मरता नहीं है, लेकिन वो आपको आसानी से वन टैप लगा देता है या फिर आपके ऊपर हेडशॉट लगा देता है और आप मर जाते हैं। अब इसमें लेट ग्लू बॉल या कवर से क्या मतलब है, आप लोग चार पांच गोलियां चलाइए उसके बाद तुरंत ही ग्लू बॉल लगाइए। ग्लू बॉल किसके लिए होती है, परमानेंट कवर के लिए। तो आप लोगों को कवर लेने के लिए तुरंत ही ग्लू बॉल लगानी है चार पांच गोलियां चलाने के बाद, सामने वाले एनिमी को गोलियां लगे या ना लगे, लेकिन आप लोगों को तुरंत ही ग्लू बॉल लगा देनी है। उसके बाद आप लोगों को कवर से बाहर निकल करके फिर से गोलियां चलानी है, फिर से आप लोगों को कवर में आना है, फिर से गोलियां चलानी है, फिर से कवर में आना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप लोगों को एनिमी को डैमेज देना है। आप लोग अगर सोचें तो एक बार में डैमेज ना दें, उससे आपका एम भी एनिमी के ऊपर स्टक हो जाता है और एनिमी को हेडशॉट भी नहीं लगता है। तो ये वाली गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी कि ये कुछ गलतियां थी जो आप लोगों को नूब बनाती हैं। यानी कि भले ही आप कितने भी प्रो हो, लेकिन अगर आप इस तरह की कुछ गलतियां करते हैं तो आप लोग नूब ही लगेंगे सामने वाले अपोनेंट्स को या फिर जो भी आपका गेम प्ले देख रहा है। आई होप कि आप लोग ये वाली गलतियां नहीं करेंगे। अगर आप लोग ये वाली गलतियां करते थे तो इन सभी गलतियों में अभी के अभी इम्प्रूवमेंट कर लें। आई होप कि आप लोगों को वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग हेडशॉट लगाना सीखना चाहते हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग कैरेक्टर कम्बिनेशन जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप किसी तरह के कैरेक्टर कंपैरिजन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।